सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोड़े स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आप सभी फ्यूचर में बनने वाले सोल्जर्स को, फ्यूचर में बनने वाले ऑफिसर्स को मेरा सैल्यूट। देखिएगा, आप लोगों के लिए मैंने एक बैच लाई है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया है कि सर हमारा जो पेपर है वो 19 जुलाई को है, 19 जुलाई 2020 को। अब क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों का जो मार्च और फरवरी में पेपर होता है, तो कोविड-19 के वजह से उनका जो पेपर है वो पोस्टपोन किया गया इस साल 2020 में। तो उनका जो पेपर है अभी वो 19 जुलाई 2020 को आ रहा है। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है, तो देखिए बिल्कुल उनके कमेंट के ऊपर ये जो कोर्स है मैं लॉन्च कर रहा हूँ। तो देखिए आज का हमारा इस कोर्स का पहला दिन है, आप देख सकते हो सभी। तो साथ में आप सभी को मैं बता दूं कि भाई ध्यान देंगे सभी, इसमें हम कर क्या रहे हैं ये कोर्स में, आप सभी लोग ध्यान देंगे, जिसमें हम ABC सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम एक क्वेश्चन पेपर को, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और इसका जो बैच है वो बैच जो है वो 21 जून 2020 से स्टार्ट होगा। आज से, आज हमारे को इस कोर्स का पहला दिन है। और इसका जो बैच टाइमिंग है वो, ये बैच टाइमिंग जो है वो डेली लाइव चलेगा सुबह 9 बजे मॉर्निंग को, ठीक है। इस चैनल के ऊपर डेली सुबह 9 बजे मॉर्निंग को लाइव चलेगा। अब जो सीखना चाहते हैं वो बिल्कुल आ जाओ, जो नहीं सीखना चाहते भाई वो चले जा सकते हो। चलिए अब थोड़ा सा मुझे इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, बहुत सारे बच्चे नए आते हैं चैनल के ऊपर। जो बच्चे पुराने हैं भाई उनको तो पता होता है सब कुछ चीज़ें, लेकिन जो बच्चे नए आते हैं तो उनको पता नहीं होता है। तो जो भी कैडेट हमारे इस चैनल के ऊपर पहली बार आया है, तो भाई वो चैनल, इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ताकि आगे चल के और सारे बच्चे अपने साथ जुड़ सके और देखिए एक कॉम्पिटिशन का माहौल इस चैनल के ऊपर बन सके। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई जो भी बच्चा नया है और उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाक से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, लाल बटन को तोड़ दीजिए वो वाले, ठीक है। और सभी को सब्सक्राइब करना है जो भी आ रहा है भाई। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए आए, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो और आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। चलिए अब बात करेंगे, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक वर्दी दिख रही है आप सभी को, ठीक है। ये वर्दी को पाने का हर किसी का एक ड्रीम होता है, हर किसी का एक सपना होता है। अगर आप भी इस वर्दी को पाना चाहते हो तो दो चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपके पास NCC का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद आपके पास होना चाहिए रनिंग, ठीक है भाई। आप रनिंग को, तो रनिंग की जो प्रैक्टिस है आप घर में कर सकते हो, ठीक है। घर में रह के रोज़ रनिंग की प्रैक्टिस सुबह उठ के कर सकते हो। और आपका जो NCC का सी का एग्ज़ाम है भाई, उसको क्लियर करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ठीक है। आपका जो NCC का सी का एग्ज़ाम जो है, बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपका सी का एग्ज़ाम जो है क्लियर करके दूंगा, ठीक है। हर किसी को मैं इस वर्दी में देखना चाहता हूँ, बिल्कुल, ठीक है। तो अगर भाई आपने सोचा है कि इस वर्दी को पाना है, अगर वर्दी को पाना चाहते हो तो हो जाओ तैयार, मेहनत करना शुरू कर दो। बिल्कुल ये वर्दी जो है आपकी है, सिर्फ घर पहुंचने की देरी है। चलिए वर्दी को पाना चाहते हो तो बिल्कुल ये वर्दी आपकी है और आप इसको पाकर रहोगे, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने, जब भी आप मेरे क्लास में आओगे तो सबसे पहले आप पेन और नोटबुक लेके आइएगा क्लास में, ठीक है। अब बात करेंगे कि हमारा आज का जो है वो पहला दिन है, इस क्लास का पहला दिन है, फर्स्ट डे है। अगर आपको इससे बाद की अगर वीडियो चाहिए, या कोई बच्चा क्या होता है इसमें 2 महीने बाद 3 महीने बाद या बाद में कभी भी आता है, तो वो क्या करिए, अगर उसको पूरी वीडियोस देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाइए। मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट होगी, उस प्लेलिस्ट का जो नाम है वो 15 डेज NCC मास्टर कोर्स, इस तरह से नाम हो जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करना है और आपको जो है पूरी वीडियोज़ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आप वहाँ पर जाके पूरी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो चलिए आज हम बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, आज का पहला दिन है। तो आपके, देखिएगा आप देख सकते हो यार स्क्रीन के ऊपर, हम एक क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व कर रहे हैं, पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं भाई हम कॉमन सिलेबस से। अब कॉमन सिलेबस क्या होता है तो उसके बाद में मैं डीप में बता दूंगा, अभी उतना टाइम हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब जितने भी बच्चे लाइव आ चुके हैं भाई, उनका स्वागत है सभी का। अब मैं हर किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और बच्चे बोलेंगे कि सर एक का नाम लिया है, एक का नाम नहीं लिया है, ठीक है। तो चलिए कमेंट करते जाइए आप लोग, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई ड्रिल से, ठीक है। ड्रिल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ए फर्स्ट आपके सामने आ चुका है, देखो कि व्हाट इज द एम ऑफ ड्रिल। अब बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश का प्रॉब्लम है, तो चलो मैं उनके लिए हिंदी में भी बता दूंगा, इसलिए वीडियो बड़ा हो सकता है। देखते रहिए अपने पेन और नोटबुक में इस आंसर को लिखते जाइए। व्हाट इज एम ऑफ ड्रिल भाई, ड्रिल का उद्देश्य क्या होता है,
ठीक है, ड्रिल का उद्देश्य क्या होता है, तो आंसर भी देख लीजिए, आंसर आपके सामने है भाई। ड्रिल का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले टू इंकलकेट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अनुशासन की भावना उत्पन्न करना, अनुशासन की भावना उत्पन्न करना, इम्प्रूव बियरिंग स्मार्टनेस इन अपीयरेंस एंड टर्न आउट, इसको भी बोलेंगे हम आचरण, चुस्ती फुर्ती प्रतीति एवं शारीरिक बनाव में सुधार करना, ठीक है, आचरण, चुस्ती फुर्ती प्रतीति एवं शारीरिक बनाव में सुधार करना, क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को बढ़ाना, ठीक है, जो कैडेट का आत्मविश्वास है वो बढ़ाने के लिए ड्रिल बहुत हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद में टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ इमीडिएट एंड इम्प्लीकेट ऑबिडियंस ऑफ ऑर्डर्स, इसका मतलब है कि आदेशों के तत्काल एवं निर्विवाद आज्ञा पालन के गुण का विकास करना, मतलब कि अगर आपके सीनियर के द्वारा अगर आपको कोई भी आज्ञा दी जाती है तो उसका जो पालन है आप हंसते हुए कर सको, यही जो है ड्रिल का एम होता है, ठीक है, क्लियर है भाई। ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी को इसका आंसर आना चाहिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ओर, ठीक है, आप सभी लोग देख पा रहे हो ना, समझ में आ रहा है, सभी लोग अच्छे से ध्यान से देखो कि आपका जो एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, तो सबसे पहला है देखो फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, आपके सामने आ चुका है। तो स्टेप्स टेकन इन खुली लाइन चल, भाई कि खुली लाइन चल में हम कितने स्टेप लेते हैं, कितने कदम लेते हैं हम, ठीक है, खुली लाइन चल में हम कितने कदम लिए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है भाई वो हम डेढ़ कदम लेते हैं। खुली लाइन चल में हम कितने कदम लेते हैं, तो डेढ़ कदम लेते हैं भाई। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो ना, एक बार लाइक बटन कर दो यार, लाइक बटन के ऊपर क्लिक कर दो। अगर जब आप लाइक करोगे तो क्या होता है कि मैं मोटिवेट होता हूँ यार, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना इतनी मेहनत से, कि वो वीडियो जो वो सफल हो रहा है, आप लोगों तक पहुँच रहा है, ये मुझे पता चल जाएगा। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन 2 भी देख लो, क्वेश्चन 2 ब्रो, कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टेप्स अलाउड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, इसका मतलब हो जाएगा कि आगे और पीछे केवल कितने कदम चलने की अनुमति होती है, भाई आगे और पीछे कितने कदम चलने की अनुमति होती है, ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वेग कदम, ठीक है। अगर आप एनसीसी में आगे और पीछे कदम जाना चाहते हो ड्रिल में, तो भाई कितना कदम आप आगे और पीछे जा सकते हो, तो भाई एक कदम आप जा सकते हो, 1। चलिए उसके बाद देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू हिल्स इन विश्राम पोजिशन, भाई विश्राम की स्थिति में दोनों एडियो के बीच की दूरी कितनी होती है, मुझे लगता है कि इसका आंसर आप सभी को पता है। विश्राम पोजिशन में या विश्राम स्थिति में दोनों एडियो के बीच की दूरी कितनी होती है, तो बिल्कुल 12 इंच होती है, ठीक है, 12 इंच उसकी दोनों की दूरी होती है। चलिए उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन के आंसर आप सभी को पता होना भी बहुत जरूरी है, क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ऑन द वर्ल्ड ऑफ कमांड परेड पर, ठीक है, परेड पर में कदम के बाद थंब कितने बार किया जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने पूरा नहीं दिया हुआ है, तो ऑन द वर्ल्ड ऑफ कमांड परेड पर थंब, ठीक है, परेड पर कदम पर कदम के बाद थंब कब किया जाता है, तो भाई इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 कदम की ओर थंब किया जाता है, ठीक है, 15 हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत आंसर दिया हुआ है, ठीक है, 15 कदम के बाद इसको थंब किया जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, आप देख पा रहे हो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, सभी क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो। चलो क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द स्टेप इन डबल मार्च, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्टेप इन डबल मार्च इज, डबल मार्च के कदम की लंबाई कितनी होती है, ठीक है, डबल लेंथ ऑफ द स्टेप इन डबल मार्च के कदम की लंबाई कितनी होती है, तो बिल्कुल 30 इंच होती है। अगर जब आप डबल मार्च में कदम डालते हो तो भाई उसकी जो लेंथ होती है ना कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है, तो 30 इंच होती है, क्लियर है। अगर आप चाहते हो कि ये जो कोर्स है आप लोगों के लिए पूरा हिंदी में आए, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, सर हिंदी में लाओ बोल के मुझे कमेंट करके बता दो सभी लोग। चलिए बढ़ेंगे आगे, ओके क्वेश्चन नंबर 3 देख लो यार, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, अब देख पा रहे हो सभी लोग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, इस बात को भी ध्यान दो सभी लोग ध्यान दो, 10 मार्क का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बढ़ रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम करके बता दूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में हम बात कर रहे हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करो, रिक्त स्थान की पूर्ति करो में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इन आधा दैनीय मूड द स्क्वाट टर्न डिग्री, ठीक है, आधा दैनीय मूड में स्क्वाट जो है कितनी डिग्री पर मुड़ता है, भाई आधा दैनीय मूड पे, ठीक है, आधा दैनीय मूड पे जो है स्क्वाट जो होता है वो कितनी डिग्री पे मुड़ता है, ठीक है, आधा दैनीय में, तो कितने डिग्री पे हो जाएगा, वो 25 डिग्री पे हो जाएगा, 25 डिग्री पे वो मुड़ जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल देके आपको बता दूँ भाई,
ठीक है, देखिएगा ये होता है भाई, हमारी ये जो है दिशाएं होती है, ये नॉर्थ है ऊपर की नॉर्थ, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है, आप देख पा रहे हो सभी लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऊपर जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 डिग्री, यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे 180 डिग्री है और यहाँ पे जो है 270 डिग्री है, क्लियर है, यहाँ पे कितना है 270 डिग्री है भाई। अगर आप आधा दैने, अगर आप आधा दैने मोड़ बोलोगे तो कहाँ पे जाओगे, आधा दैने तो यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, कितना डिग्री आ जाएगा तो 45, तो 45 डिग्री इज़ द राइट आंसर। अगर आपको कहा जाए कि भाई दैने मोड़ में कितना, दैने मोड़ में कितना डिग्री घूमते हैं, तो बिल्कुल दैने मोड़ में 90 डिग्री घूमते हैं, ठीक है, दैने मोड़ में 90 डिग्री घूमते हैं। अगर आपको अगर कहा जाए, अगर यहाँ पे हो आप, तो यहाँ पे सीधा आप सीधे खड़े हो इस तरह से, तो आपको बोला जाए कि बाएं मोड़ में कितने डिग्री घूमते हैं, तो भाई इधर भी हम घूमेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर इस तरह से घूमेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे, क्वेश्चन बी देखिए, इन तेज चाल द डिस्टेंस बिटवीन कैडेट इज इंच, ठीक है भाई, तेज चाल में दो कैडेट्स के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी इंच की होती है, ठीक है, हम जब तेज चाल करते हैं तो दो कैडेट्स का जो बीच में की जो दूरी होती है ना वो कितनी होती है, तो बिल्कुल 45 इंच होती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, कितनी दूरी होती है तो 45 इंच होती है। चलिए उसके बाद देखो, इन दैने सच द स्क्वाड टेकन्स अ स्टेप फॉरवर्ड बाय इन इंच, ओके देखो, इन दैने सच द स्क्वाड टेकन्स अ स्टेप फॉरवर्ड बाय फिल इन द ब्लैंक इंच, ये बोल रहा है कि दैने सज में स्क्वाट फिल इन द ब्लैंक्स इंच का एक कदम आगे बढ़ाती है, ठीक है, दैने सज में एक जो स्क्वाट होता है वह कितना कदम आगे बढ़ाती है, तो भाई वो जो है 15 इंच जो अपना कदम है वो आगे बढ़ाती है, दैने सज में स्क्वाट जो है वो कितना कदम आगे बढ़ाती है, तो 15 इंच का जो कदम होता है वो आगे बढ़ाती है। उसके बाद में देखिए डी, एंगल एंगल बिटवीन टोज इन सावधान पोजिशन इज डिग्री, अब ठीक है, सावधान की स्थिति में जो है, सावधान की स्थिति में अंगूठे के बीच का जो कोण होता है वह कितनी डिग्री होता है, सावधान की स्थिति में अंगूठों के बीच का जो कोण होता है वह कितनी डिग्री का होता है भाई। देखो अब जब आप सावधान हो जाओगे ना इस तरह से, तो जो आपकी ये जो दोनों, ये एक पैर है आपका और ये एक पैर है, तो इस दोनों के पैर में जो एक एंगल बनेगा, एक कोण बनेगा, तो ये कितना होगा, ये कितने डिग्री का होगा, तो भाई ये 30 डिग्री का होगा, ठीक है, ये 30 डिग्री का एंगल होगा, तो बिल्कुल इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 30 डिग्री, ठीक है, कितना, जब आप सावधान पोजीशन में दोनों आपके अंगूठे के बीच का जो अंतर होता है कितना, कितना कोण कितना होता है, तो बिल्कुल 30 डिग्री का एंगल होता है। चलिए उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन ई के ऊपर, चलो क्वेश्चन नंबर 3 का ये देख रहे हैं भाई, एक क्वेश्चन 5 मार्क, एक क्वेश्चन 2 मार्क का, इसलिए सभी लोग ध्यान देंगे। इन पीछे मुड़ द स्क्वाड टर्न, ठीक है, इन पीछे मुड़ द स्क्वाड टर्न, अगर देखिए पीछे मुड़ में एक स्क्वाड जो होता है वो कितने डिग्री पर मुड़ता है, ठीक है, कितने डिग्री पर मुड़ता है पीछे मुड़, तो आप, मैंने अभी बताया आप लोगों को, ये होता है 0, ये होता है 90, ये होता है 180 और ये होता है 270 डिग्री। अगर आप यहाँ पे हो भाई, अगर आप पीछे मुड़ोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180 डिग्री पे मुड़ जाओगे आप, तो पीछे मुड़ जब भी आप करोगे तो कितने डिग्री में करोगे, तो बिल्कुल सही है, 180 डिग्री में करोगे। चलिए पीछे मुड़ में एक स्क्वाट कितने डिग्री पे मुड़ता है, तो 80 डिग्री, 180 डिग्री में मुड़ता है। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है यार आपको चीज़ें, चलो यार इतने मेहनत से सभी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ओके आगे बढ़ते, चलो पूरा सीख लो आज जो है ना, आज पूरा आपको सिखा के रहूँगा यार, ठीक है, जब तक आपको नहीं आता है ना तब तक सिखा के रहूँगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसको जूम भी कर लेते हैं हम लोग, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसको आप अपने नोटबुक में भी लिख सकते हो, जो भी आपका आंसर मन करता है ना वो कर लो, लेकिन सबसे पहले एक बार लाइक बटन को दबाना ना भूलो यार। चलिए आप देख सकते हो, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी ऑब्जर्व वाइल्ड सल्यूटिंग, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 5 मार्क का क्वेश्चन है, देखो, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी ऑब्जर्व वाइल्ड सल्यूटिंग, जब हम सल्यूट करते हैं ना, जब हम सल्यूट करते हैं, सलामी देते समय हम किन बातों पर ध्यान देना चाहिए भाई, जब हम सल्यूट करते हैं तो हमें किन बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, इसका आंसर क्या है, अबीरिंग द राइट हैंड बाय स्मार्ट सर्कुलर मोशन, कीपिंग ऑल द फिंगर्स
clench together and the palm completely open, fingers, weights and elbow in the straight line. ठीक है, दाहिने हाथ को चुस्ती से गोलाई में घुमाते हुए मस्तक के पास लाएं। ध्यान रखें कि सभी उंगलियां परस्पर सीधी होनी चाहिए। भैया आप जब सलूट करते हो तो आपकी जो उंगलियां होती है ना वो पूरी सीधी होनी चाहिए, ना कि ऐसी आड़ी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। आपकी जो हथेली है, जो आपकी हथेली है वो पूरी खुली होनी चाहिए, और तथा जो उंगलियाँ और कलाई और कोहनी एक सीधी रेखा में होनी चाहिए। आपकी जो उंगलियाँ है, कलाई है और जो कोहनी है वो क्या होनी चाहिए, एक सीधी रेखा में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आड़े तेढ़े में घूम जाए ऐसा। चलो ये क्या है भाई, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ें होती है, थोड़ा ऐसे समझाना थोड़ा मुश्किल जाता है, लेकिन आप समझ पाओगे इतना कन्फर्म है। चलो द टूप ऑफ द टॉप ऑफ द फोर द टॉप ऑफ द फोर फिंगर विल रिमेन नियर द सेंट्रल ऑफ द राइट आईब्रो। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई तर्जनी उंगली का सिरा दाहिना आँख की भौं के मध्य के निकट हो। जो कि देखिएगा, जो आपकी तर्जनी उंगली होती है भाई, जो सेंटर वाली, जो आपकी मिडल फिंगर जो होता है ना, उसका जो सिरा होता है वो आपकी जो दाहिनी आँख होती है, मतलब कि जो आपकी राइट आँख होती है, तो आँख के जो भौं होता है ना, भौं के मध्य से निकट होनी चाहिए उसकी। ठीक है, उसके बाद देखो यार, सी कीप द हैंड इन द पोजिशन फॉर द डेफिनेट पॉज। फिर आपको क्या करना है, हाथ को जो है कुछ क्षण का निश्चित विराम दे, मतलब कि अगर आप सैल्यूट कर रहे हो तो कुछ टाइम तक आपका जो हाथ है बिल्कुल आपके जो भुवई होती है ना, भौं होती है ऊपर की, तो वहाँ पे तो पॉज करना है कुछ समय के लिए। चलिए उसके बाद, अगर आप चाहते हो कि भाई ये हिंदी में आए तो मैं हिंदी में भी लाऊंगा, लेकिन उसके लिए टाइमिंग है। ठीक है, पहले ये 15 दिन की बैच पढ़ लो, उसके बाद 15 दिन हम हिंदी में पढ़ेंगे। चलो डी क्या बोल रहा है, इसका आंसर है, ये आंसर ये पता होना चाहिए आप सभी को। कट डाउन द हैंड स्मार्टली बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट एंड टेक अप द सावधान पोजिशन। जब आप सैल्यूट को जब कट करोगे ना, तो इतना स्मार्ट तरीके से करो कि भाई आगे वाले को ऐसा पता ना चले। इतना स्मार्ट, ऐसे खींचते हुए उसको बिल्कुल नज़दीक से लेकर आओ, ऐसे जल्द बिल्कुल आगे वाले को पता ना चले कि भाई इसने सैल्यूट कैसे उतार लिया है। ठीक है, अपना हाथ जो है अपने भौं से कैसे उतार लिया है। तो हाथ को जो है वो चुस्ती से सीधा नीचे गिराएं और सावधान की मुद्रा में आ जाए। फिर क्या है, आप जब सल्यूट अपना हाथ जो है अपने भौं के पास से आप निकालते हो, तो आप फिर क्या करना है, आपको सावधान पोजीशन में, फिर से एक बार सावधान पोजीशन में आपको आ जाना है। क्लियर है मेरे भाई? ओके, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, अब मैं उनका तो हर किसी का नाम नहीं लूँगा, सभी लोग बहुत बढ़िया जो बिल्कुल वीडियो को देख रहे, समझ रहे, सीख रहे, बहुत बढ़िया। चलो अब जो भी बच्चा नया आ रहा है भाई, वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो अभी तक नहीं किया है तो, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो सभी बच्चे आपके साथ लाइव आ सके। ठीक है, इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोग नहीं करोगे शेयर तो फिर क्या करोगे यार। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव आपके सामने आ चुका है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो भाई। क्वेश्चन नंबर फाइव आपके सामने भी आ चुका है, आप देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा है। आ रहे हो ना भाई, समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहा हूँ? ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव भी देख लो कि हु आर इंटाइटल्ड फॉर राष्ट्रीय सैल्यूट। भाई कि अब क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय सैल्यूट किसे दिया जाता है, नेशनल राष्ट्रीय सैल्यूट किसे दिया जाता है, इस बात को ध्यान देंगे। ठीक है, राष्ट्रीय सैल्यूट किसे दिया जाता है, तो सबसे पहले देखो राष्ट्रीय सैल्यूट जो है वो नेशनल फ्लैग को दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को दिया जाता है, जो हमारा तिरंगा है उसको दिया जाता है, नेशनल फ्लैग को। उसके बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को दिया जाता है। उसके बाद में गवर्नर ऑफ स्टेट, जो स्टेट का जो गवर्नर होता है, राज्यों का जो राज्यपाल होता है ना, राज्यों का राज्यपाल को जो है राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाता है। ठीक है, राज्यपाल को दिया जाता है, राष्ट्रपति को दिया जाता है, और जो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज को भी दिया जाता है। ठीक है, ये जो है इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। 5 मार्क का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सैल्यूट किसे देते हैं, तो हम नेशनल फ्लैग को, हमारे भारत के राष्ट्रपति को, और गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्यों के राज्यपाल को हम राष्ट्रीय सैल्यूट देते हैं। 5 मार्क यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे चीज़ें हमें सीखना है, आप बिल्कुल बने रहिए। ऐसा नहीं कि भाई अब अगर आप चाहते हो कि एक दिन में, दो दिन में आप सीखोगे तो कैसे सीखोगे यार मेरे भाई, अब बता दो मेरे दोस्त। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं देख रहे हैं ना, एक दिन में अगर आप सीखना चाहते हो तो कैसे सीखोगे। ठीक है, इसीलिए जो है ना आपको पूरा सिखाऊंगा, जब तक सिखाऊंगा जब तक होता नहीं है तब तक। चलो क्वेश्चन नंबर छः देखो, क्वेश्चन नंबर छः आपके सामने आ चुका है। व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी सीन इन सावधान पोजीशन। भाई
सावधान पोजीशन, जब आप सावधान पोजीशन में आते हो ना, तब क्या चीज़ें आपकी देखी जाती है। तो 5 मार्क का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल बी और सी वाले बच्चे ध्यान देंगे, सभी लोग इसको लिखना है। जब आप सावधान पोजीशन में आते हो तो आपकी क्या चीज़ें जो है आपके चेक की जाती है। तो सबसे पहले देखिएगा इसका आंसर क्या है। तो बॉडी इरेक्ट परफेक्टली स्टील बट नॉट स्टीप, ठीक है, शरीर जो है एकदम सीधा हो किंतु अकड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपनी जो जो बॉडी है भाई वो सीधी होनी चाहिए, शरीर सीधा होना चाहिए, अकड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। हेडअप, हेडअप का मतलब क्या होता है कि आपका जो सिर है वो ऊपर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो, आईज लुकिंग स्ट्रेट ऑफ एट द फ्रंट ऑफ वंस ओन हाइट एंड स्टील, ठीक है, आंखें जो हैं आंखें एकदम सामने और सीधे देखते हुए स्थिर हो। आपकी जो आंखें हैं ना वो एकदम सामने होनी चाहिए और सीधी देखते होनी हुई चाहिए, मतलब कि आंख जो है आप इधर उधर मत घुमाओ, ठीक है, आप सीधे देखो, आपकी आंखें सीधी होनी चाहिए और आप क्या हो, एक स्थिर होना चाहिए। ठीक है, आप हिलना डुलना नहीं है भैया आप सभी को। चलो उसके बाद देख लो, चिन वर्टिकल, नेक स्ट्रेट एंड फीलिंग द कॉलर, ठीक है, जो थोड़ी सीधी खड़ी गर्दन सीधी कॉलर को भरती हुई होनी चाहिए भाई, थोड़ी जो है वो सीधी खड़ी होनी चाहिए और गर्दन जो है वो सीधी कॉलर से भरते हुए होनी चाहिए। चलो उसके बाद देखो, शोल्डर स्क्वेयर एंड फोर्स डाउनवर्ड, ओके, कंधे जो है ना आपके, जो कंधे आपके जो शोल्डर है, एक मिनट थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं, ठीक है, वेट करो थोड़ा सा। ओके, ध्यान दो भाई, सभी बच्चे ध्यान देंगे बेटा। शोल्डर स्क्वेयर इन फोर्स डाउनवर्ड, कंधे जो है आपके वो वर्गाकार और नीचे की ओर खींचे हुए होने चाहिए। जो आपके जो कंधे होते हैं ना वो क्या होने चाहिए, नीचे खींचे हुए होने चाहिए। चलो उसके बाद देखो, चेस्ट अप, आपकी जो सीना होता है ना, जो छाती जो सीना होता है वो, जो चेस्ट जो होती है वो उठा होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल चेस्ट जो है वो आगे होनी चाहिए। चलो उसके बाद देखिए, हैंड्स फिक्स विथ बॉडी बिहाइंड द सीम्स ऑफ द ट्राउजर्स, एल्बो स्ट्रेट, फिंगर्स मेकिंग लूज हाफ फिस्ट एंड थंब डाउन टूवर्ड्स द फ्रंट, ओके, जो दोनों हाथ शरीर के साथ पैंट की सिलाई से पीछे सीधे सटे होने चाहिए। ठीक है, जो दोनों आपके जो हाथ है, एक राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, ठीक है, ये दोनों भी जो हाथ है वो पैंट की सिलाई से पीछे सीधे सटे हुए चाहिए, और जो आपकी कोहनी होती है ना वो कोहनी सीधी होनी चाहिए, और जो आपकी उंगलियां है वो आधी मुट्ठी बंधी हुई चाहिए, और अंगूठा जो है वो सामने किया होना चाहिए। आपकी जो कोहनी होती है वो सीधी होनी चाहिए, आपकी उंगलियां जो है वो आधी मुट्ठी बंधी हुई चाहिए, और आपकी जो अंगूठा होता है ना भाई वो आपकी मुट्ठी के सामने होना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें हमें सावधान पोजिशन में ध्यान देना है। और देखिए, वेट ऑफ द बॉडी ऑफ द बोथ द लेग्स एंड की स्ट्रेट, ओके, आपके जो घुटने हैं वो सीधे होने चाहिए, ऐसा नहीं कि गधे के जैसे घुटने, हमने अपना जो पूरा वेट जो है, अपना जो वजन है पूरा एक पैर पे, बहुत सारे बच्चों को आदत होती है कि अपना जो वेट है वो एक पैर के ऊपर डाल देते हैं, ऐसा नहीं, आपका जो वेट है दोनों पैरों का, आपके पूरे बॉडी का जो वेट है वो दोनों पैरों के ऊपर होना चाहिए, और आपके जो घुटने हैं वो सीधे होने चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हील्स टुगेदर मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री एट द फ्रंट, दोनों एडी मिली हुई, ठीक है, हील्स टुगेदर मेकिंग एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एट द फ्रंट, दोनों एडी जो है वो मिली हुई चाहिए। ठीक है, आपकी जो दो एडियाँ होती है वो मिली हुई चाहिए, और जो पंजे जो परस्पर उन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस जो डिग्री है वो 30 डिग्री का जो कोण है उसमें बनना चाहिए दोनों पैरों के बीच में। ठीक है, ये एक पैर आपका एक पैर है, तो इन दोनों के पैर के बीच में जो है एक 30 का एंगल बनना चाहिए। ठीक है, एक 30 का एंगल बनना चाहिए। तो ये सब कुछ चीज़ें जो है भाई वो सावधान पोजिशन में चेक की जाती है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो हमने जो है आज 6 क्वेश्चंस को बिल्कुल पढ़ लिया है। तो आगे हमारा जो हम आगे पढ़ेंगे, हम वेपन ट्रेनिंग के बारे में, हमारी कल की क्लास जो है वो वेपन ट्रेनिंग के बारे में होगी। क्लियर है आप लोगों? तो ये सब कुछ चीज़ें जो है समझ में आया है बिल्कुल। ठीक है, इस वीडियो को शेयर कर दो भाई अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि सभी बच्चे अच्छी तरह से आपके जैसे पढ़ सके और वो भी लाइव आ सके।
और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, आगे चल के उनको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेगी। चलिए अब मिलेंगे बिल्कुल कल इसी समय पे, आप सभी को बिल्कुल लाइव आना है। चलिए आपका कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।